स्थानों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दूरस्थ क्षेत्रों को अलग अलग स्थानों में किया गया सम्मिलित। विदेश अनुभाग के अंतर्गत 5 थाना क्षेत्र में तकरीबन 21 गांवों को जोड़ा गया है। दूरी कम होने से पीड़ित व्यक्ति या थानों से संबंधित काम होने पर लोगों को मिलेगी मदद। CSP राजेश तिवारी ने विदेश अनुभाग के अंतर्गत परिवर्तित ग्रामों के बारे में जानकारी दी। अभी जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्देशित किया गया था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से और आम जनता की सुविधा के अनुसार थानों के जो ग्राम हैं उनका नए सिरे से सीमांकन किया जाए, तो इसी तारतम्य में जनप्रतिनिधि से प्राप्त प्रस्ताव, आम जनता से प्राप्त प्रस्ताव एवं जो संबंधित थाना का जो दूरी है, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे विदिशा जिले के प्रस्ताव बनाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से, जिला दंडाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्य शासन को भेजे गए थे, जो राज्य शासन द्वारा उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है और सभी परिवर्तन जो ग्राम है उनका राजपत्र में प्रकाशन भी हुआ है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर नटेरन थाने से 14 ग्राम है जो आगामी समय में अब करारिया थाने में संबद्ध किए गए हैं, और त्योंदा थाने के 6 ग्राम हैं जो ग्यारसपुर थाने के लिए दिए गए हैं, और गुलाबगंज से 1 ग्राम है जो ग्यारसपुर को दिया गया है। इस तरह विदिशा अनुभाग में कुल 21 ग्राम विभिन्न थानों को प्राप्त हुए हैं। तो इससे सबसे बड़ी सुविधा आम जनता को होगी कि उनके लिए जो पास का थाना जो उनको पड़ता था वहाँ उनको रिपोर्ट लिखाने में, अन्य थाने से संबंधित कार्यों के लिए आने जाने में उनको सुविधा होगी, बनस्पत जो अभी तक वो दूर के थानों में जाते थे। तो इन सब सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए और ये संशोधन हुआ है।